फोटोशॉप लिक्विफाई टूल का हेल्प से हम लोग कोई एक इमेज का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता हूँ। जैसे देखो, पहले ये बंदा का ऐसे पेट खुला था, अभी इसको हम लोग क्या किया, ऐसे किया। फिर दूसरा एक इमेज में देखो, ये वाला इमेज ऐसे है, फिर इसको हम लोग थोड़ा कार्टून लुक दे दिया। तो फोटोशॉप लिक्विफाई टूल का हेल्प से कार्टूनिस्ट इफेक्ट देने के लिए, नहीं तो कुछ ऐसे बॉडी शेप चेंज करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबूज और आप लोग देख रहे हैं फिलंसर सबूज। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले ऐसे इमेज ले लिया हम लोग, अभी फर्स्ट काम जो है इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, अभी क्या करना है, फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद लिक्विफाई में आना है। अभी देखो, आप लास्ट जो फिल्टर अप्लाई किया था ना, तो वही फिल्टर का नाम इधर ऊपर दिखाई देगा। हम लास्ट में लिक्विफाई यूज किया था, इसके लिए लिक्विफाई के फिल्टर का नाम इधर दिखाई दे रहा है। तो हमको ऊपर में जो लिक्विफाई दिखाई दे रहा है और इधर भी जो लिक्विफाई है, हमको ऊपर वाला नहीं लेना है, हमको ये नीचे वाला लेना है। अगर ऊपर वाला लेगा तो हम लास्ट जो इसमें इफेक्ट था वही इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए हम इसको नहीं लेंगे, नीचे जो है ये लिक्विफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो लिक्विफाई के ऊपर क्लिक करने से हमको अलग से एक पैनल ओपन हो जाएगा, लिक्विफाई का पैनल ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ से जाके हमको पहले ब्रश साइज छोटा कर लेगा। देखो राइट साइड में कॉर्नर में इधर का ब्रश ऑप्शन है, ये जो साइज है ये तो ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए। डेंसिटी है, ब्रश से आपका इफेक्ट कितना दूर आएगा और कितना करीब आएगा उसको डिनोट करता है डेंसिटी। प्रेशर डिनोट करता है आपका ब्रश का ताकत कितना रहेगा, मतलब अगर प्रेशर लो रहेगा उसमें क्या होगा, आप ब्रश मान लो इधर दिखाता हूँ मैं, इसमें प्रेशर मेरा हाई है तो अभी क्या है, ब्रश से हम इसको खींचेंगे, देखो कितना आ रहा है ये, ठीक है, कंट्रोल जेड। अभी मान लो इसको प्रेशर में कर देंगे एकदम कम, 8 कर देंगे, अभी खींचेंगे तो देखो उतना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर का ताकत कितना है वो डिनोट करता है, ठीक है, और साइज से छोटा बड़ा होता है। अभी क्या, इधर जो लेफ्ट साइड में जो पैनल है ना, इसमें क्या है, फर्स्ट वाला जो है फॉरवर्ड वर्क टूल, इसका नाम सुन के पता चलता है फॉरवर्ड, ये आगे खींच के लेके जाएगा, ठीक है। पहले इसको क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद हम मान लो जो इमेज है, इमेज का हिसाब से हमारा ब्रश का साइज ले लेंगे। लेने के बाद हमको इसमें जितना देना है, मतलब कितना प्रेशर चाहिए, कितना हमको इसको अंदर घुसना है, वो सोच के इमेज का हिसाब से हम इधर सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे इसका अगर अंदर लेके जाएंगे तो कैसे जाएगा, पहले जूम कर लेंगे थोड़ा सा। अभी इसको पकड़ के हमको माउस का लेफ्ट बटन पकड़ के हम इसको अंदर लेके जाएगा। देखो उतना कुछ इफेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा इधर प्रेशर बहुत कम है, थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे, मैं ज़्यादा कर लेंगे, मैक्सिमम कर लेंगे, अभी देखता हूँ। अभी इसको पकड़ के हम थोड़ा अंदर लेके जाएगा, देखो अंदर जा रहा है, ठीक है, देखो अंदर जा रहा है। ऐसे करते करते माउस का जो रेफ्ट क्ली है उसको छोड़ने का नहीं, उसको पकड़ के हमको ड्रैग करना है। देखो ये ऐसे करके ये पेट हमारा इधर अंदर चला जा रहा है, ओके ओके ओके, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो पहले क्या था, पहले ऐसे था, बाद में हम लोग ऐसे किया, ओके ठीक है, थोड़ा तो इसको चेंज आ गया, बहुत ही पेट कम हो गया। अभी इधर क्या करना है, मुझे ओके करना है, ओके। तो क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऊपर हम लोग कुछ भी फिल्टर अप्लाई करेगा तो वो स्मार्ट फिल्टर बन जाता है। इसका क्या फैसिलिटी है मेरे को, हम ईयर से इसको ट्रगल ऑफ ऑन करके देख सकते हैं हमारा पहले क्या था बाद में क्या था। और अगर हमको कुछ इसमें कस्टमाइज करना है, मान लो कुछ गलत किया उसको हमको रिकवरी करना है, चेंज करना है, तो हम इसका ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये वाला जो लिक्विफाई का पैनल हमारे पास ओपन हो जाएगा। चलो डबल क्लिक किया, अभी देखो इसका ऊपर देखो, फिर हम जहाँ पे छोड़ा था इसको फिर वहाँ पे ये आ गया। हमको नया करके फिर सेटिंग करने का जरूरी नहीं है, अगर हम लोग इधर स्मार्ट फिल्टर नहीं करके करता था तो मुझे फिर नया करके लिक्विफाई करना पड़ता था, हम जहाँ पे छोड़ा था फिसेट वो मुझे नहीं मिलता था। इसके लिए हमेशा हमको काम करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज को स्मार्ट फिल्टर में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक ट्यूटोरियल में बना था पहले, आप लोग देख लेना वो ट्यूटोरियल, ठीक है। तो हम लोग लिक्विफाई टूल का हिसाब से हेल्प से ये इमेज का थोड़ा इसका पेट जो बाहर था इसको अंदर किया। अभी देखो पहले ऐसे था, बाद में हम लोग ऐसे किया। आप इधर इसको और भी थोड़ा बेटर लुक दे सकते हो, एक्चुअली लिक्विफाई टूल का ट्यूटोरियल बोल के मैं दूसरा नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। देखो इसको छोटा तो किया लेकिन ये जगह में, इधर जो एरिया है ना, ये एरिया में थोड़ा इसको मैचिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमको इसके लिए क्या करना है, पहले क्लोन टूल लेना है, यहाँ जाके क्लोन टूल ले लेंगे,
ओके क्लोन स्टैम्प टूल लेने का बाद देखो क्लोन स्टैम्प टूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? क्योंकि ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट करके ऐसे क्लोन टूल अप्लाई नहीं होगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम क्या होगा, देखो फिर ऐसे आ गया, ठीक। इधर से हम लोग सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद इसको ऑल दबा के हम लोग ले लेंगे, पहले इधर का ले लेंगे, ऑल दबा के जगह ले लेंगे, फिर इधर हल्का सा हम लोग ऐसे पेंट कर देंगे, फिर इधर जो है वो ले लेंगे, लेने के बाद ऊपर वाला लेंगे, ऐसे करके इधर थोड़ा पेंट कर देंगे। फ्लो हमको बहुत ज़्यादा है, इसके लिए इतना हार्ड आ रहा है, हमको इतना फ्लो नहीं चाहिए, थोड़ा कम कर लेंगे इसको। ओके, फिर ऑल दबा के इधर का ले लेंगे, लेने के बाद ऐसे करके इस जगह थोड़ा रिकवर कर देंगे। करने के बाद हम लोग को क्या करना है, ये इधर फाइल में जाना है, जाके सेव करना है। ओके, अभी देखता हूँ इधर, देखो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो देखो ये जगह चला गया हमारा, ठीक है, ऐसे था, बाद में ऐसे किया। अभी हम लोग देखेंगे लिक्विफाई टूल का हेल्प से, इसको क्रॉस कर देंगे, जरूरी नहीं। अभी हम लोग देखेंगे लिक्विफाई टूल का हेल्प से कैसे हम लोग कार्टून इमेज बना सकते हैं, कार्टूनिस्ट लुक दे सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला इमेज है, तो इसको हम लोग पहले डिलीट कर देंगे स्मार्ट फिल्टर को, पकड़ के इसके ऊपर लेकर आएंगे तो डिलीट हो जाएगा, पहले वाले इमेज में आ जाएगा। अभी क्या करना है, इधर फिल्टर में जाना है, जाने के बाद नीचे वाला लिक्विफाई के ऊपर क्लिक करना है, तो लिक्विफाई का हमारा पैनल ओपन हो जाएगा। अभी देखो यहाँ से एक एक कर का काम क्या है, एक एक का काम क्या है, मैं पहले इसको बताता हूँ फेस टूल का काम क्या है। देखो नीचे से तीन नंबर में है फेस टूल, फेस टूल का ऊपर क्लिक करने से ऑटोमेटिक फोटोशॉप ये फेस को डिनोट कर लेगा, इमेज का फेस कौन सा है, ठीक है, फेस इसको आइडेंटिफाई कर लेगा जहाँ यही फेस है। तो अभी ये फेस का हम लोग क्या क्या कर सकता है, ये राइट साइड का जो पैनल है इसमें देखो सिलेक्ट फेस वन, इधर एक ही है तो एक फेस इसको सिलेक्ट किया, इसके लिए वन दिखा रहा है। हम इसका आई नोज माउथ एस फेस सेप ये तीन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आई, आई इधर कितना आई रहेगा, आई का साइज कितना होगा, छोटा ना बड़ा, देखो ये करेगा तो बड़ा हो गया, ये करेगा इधर लेके जा रहा हूँ लेफ्ट छोटा हो जा रहा है। अभी हमको जो काम करना है इधर कोई भी इमेज का, तो हमको लिंक करके करना है, ये वाला लिंक ऑप्शन है, हम लोग लिंक करके करेंगे तो एक साथ दोनों आई का छोटा बड़ा होगा, हाइट का भी छोटा बड़ा होगा, मतलब आई का जितना इधर चार ऑप्शन है, चार एक ही साथ उसका दोनों का आई का साइज लेफ्ट एंड राइट दोनों हमको लिंक कर देंगे तो एक साथ छोटा बड़ा होगा। जैसे मान लो मैं पहले इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है, जीरो कर देता हूँ। अभी क्या करना है, इसको लिंक करना है, लिंक करने के बाद आई साइज मुझे थोड़ा बड़ा करना है, इधर करेंगे तो देखो आई साइज थोड़ा बड़ा हो गया, फिर लेफ्ट का तरफ कर रहा हूँ तो आई साइज थोड़ा छोटा हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग आई हाइट, आई विथ ये सब कुछ कर सकते हैं इधर से। ये गया आई का, अब देखते हैं नोज, नोज का भी सिमिलरली, नोज का भी नोज हाइट एंड विथ दोनों एक साथ ऐसे करके हम लोग ऊपर नीचा कर सकते हैं यहाँ से। फिर माउथ का भी ऐसा है, माउथ का ऊपर क्लिक करके स्माइल, हम लोग इसके ऊपर आर्टिफिशियल स्माइल दे सकता है। चलो ये बंदा तो पहले से ही बहुत हंस रहा है, तो इसको हंसी थोड़ा कम करने के लिए ये वाला स्माइल को हम लोग लेफ्ट में लेके जाएगा, देखो तो हंसी थोड़ा नॉर्म कम हो जा रहा है, फिर ज़्यादा करेंगे तो हंसी थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, कंट्रोल जेड, फेस सेप, मतलब फेस कितना बड़ा रहेगा, किस तरफ झुका रहेगा, वो सब के लिए। फोरहेड बोले तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमको और भी ज़्यादा बड़ा करना है, तो हम इसको राइट में लेके जाएगा, देखो ऊपर जा रहा है, फिर लेफ्ट लेके जाएगा तो ये छोटा हो रहा है, मतलब इसका जो फोरहेड है इसको छोटा बड़ा कर सकता है। फिर इसका फेस विथ, विथ भी बढ़ा सकता है, फेस को छोटा बड़ा कर सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो इधर से फेस टूल का हेल्प से हम लोग कोई एक फेस का ऐसे करके कस्टमाइज कर सकता है, उसको आर्टिफिशियल हंसी दे सकता है, उसका ईयर बड़ा कर सकता है, आई उसको टिल्ट कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ठीक है। अभी देखता हूँ, ऊपर वाला फॉरवर्ड टूल तो हो गया हम लोगों का पहले दिखाया, ये रिकॉन्स्ट्रक्टर टूल है, इसका बारे में बाद में आ रहा हूँ, सबसे लास्ट में आएंगे इसके बारे में। स्मूथ टूल क्या है, स्मूथ टूल जो है हम लिक्विफाई टूल से जो काम किया तो थोड़ा रिटच करना है, तो उसके लिए स्मूथ टूल काम पे आता है, ठीक है।
तो ये भी मैं बताता हूँ पहले वाला इमेज में लेके जाके। अभी इसके ऊपर मैं कार्टून लुक देने के लिए दिखा रहा हूँ कैसे हम कार्टून लुक दे सकते हैं इसके ऊपर। अभी ये वाला जो ऑप्शन है ट्विल, ये मतलब जो हमारा जितना ब्रश साइज रहेगा उतना साइज में ये थोड़ा घूम जाएगा, उसका अंदर थोड़ा ट्विल हो जाएगा क्लॉक वाइज, ठीक है। घड़ी का कांटा जिधर घूमता है उस तरफ ये घूम जाएगा, देखो ट्विल क्लॉक वाइज। अभी मान लो इसको हम क्लिक करके ले लेंगे, लेने के बाद ऐसे करेंगे तो ये क्लॉक वाइज घूम जाएगा। ये जितना ब्रश साइज है, ब्रश का अंदर का जितना पोर्शन है, अभी ब्रश का साइज देखो कितना है, कितना बड़ा है, उतना बड़ा साइज का अंदर ये घूम जाएगा क्लॉक वाइज। देखो मान लो मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो घूम रहा है, ठीक है, देखो ऐसे करके घूम गया कंट्रोल जेड। अभी क्या है, ये वाला ऑप्शन है पाकर टूल का क्या मतलब है, ये जो हमारा ब्रश साइज है उसका अंदर जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट तक ब्रश का रेडियस में, ब्रश का अंदर में जितना पोर्शन है वो उस सेंटर का तरफ खींच के चला जाएगा। जैसे मान लो हम ये नोज को सेंटर में रख के अगर इधर मैं इसको क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये ब्रश का अंदर जितना पोजीशन है पूरा पोर्शन उसका सेंटर पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ का नोज होगा नस तक आ जाएगा। देखता हूँ क्या होता है, क्लिक किया, देखो ऐसे आ गया, ठीक है। अभी ये जो है हमारा पाकर टूल का ऑपोजिट काम करता है हमारा ब्लोट टूल। पाकर टूल जो काम कर रहा है अंदर का तरफ लेके आ रहा है, अभी ब्लोट टूल क्या करता है उसको बाहर का तरफ लेके जाता है। चलो मैं ब्लोट टूल को पहले सिलेक्ट कर लिया। ब्लोट टूल सिलेक्ट करने के बाद हम अगर ये बाल का इधर पाकर के इसको थोड़ा बड़ा कर लगा ब्रश को, ओके हल्का बड़ा कर लिया। अभी ये बाल को इधर पकड़ के अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो बाल जो है वो बाहर की तरफ फैलेगा, मतलब वो सेंटर से वो रेडियस का अंदर ही बाहर की तरफ फैलेगा। जैसे मान लो इधर क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये इधर से फूल जा रहा है, देखो इधर से फूल जा रहा है, देखो बड़ा हो रहा है ना, देखो बड़ा हो रहा है। मतलब हमारा पाकर टूल जो काम करता है उसका ऑपोजिट काम करता है ब्लोट टूल, ठीक है। अभी फिर आता है पुश लेफ्ट, लेफ्ट साइड क्या होगा, ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड टूल का तरफ। तो ये इमेज का लेफ्ट साइड कौन सा होगा, लेफ्ट साइड होगा इस तरफ, तो इस तरफ क्या होगा, ये थोड़ा आगे जाएगा, फॉरवर्ड होगा। जैसे मान लो मैं क्लिक करता हूँ, देखो लेफ्ट साइड जा रहा है, ओके कंट्रोल जोड़। जितना काम होगा वो पूरा काम आपका ये जो ब्रश का रेडियस है, ब्रश का रेडियस का जो साइज है वो साइज का अंदर जितना पोर्शन रहेगा उसका अंदर ही एक टूल काम करेगा। अभी ये सब टूल हमारा हो गया। ये क्या है, ये फ्रीज मार्क्स और ये थ्रू मार्क्स, ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों का पास, ठीक है। अभी इसको हम ओके कर देंगे तो देखो पहले हमारा ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया। आप लोग ये सब टूल का हेल्प से इसमें और भी काफ़ी सारा ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। अभी पहले वाला इमेज में आ जा रहा हूँ मैं। पहले वाला इमेज में जो हम स्मार्ट फिल्टर अप्लाई किया इसके ऊपर, जो इसको नीचे किया, कंट्रोल प्लस करेंगे थोड़ा सा, करने के बाद अभी देखो हम फिर इधर लिक्विफाई में जाएंगे, डबल क्लिक कर लेंगे, लिक्विफाई ओपन हो गया। फिर ब्रश साइज छोटा कर लेंगे। फिर इधर जो रिकॉन्स्ट्रक्ट टूल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम लोग पहले जो किया था वो फिर रिटर्न हो जाएगा, मतलब पहले का सेव आ जाएगा। मान लो इधर हम लोग इधर फॉरवर्ड अप्लाई किया था, ठीक है, अभी इसके ऊपर हम लोग लिक्विफाई डालेगा तो ये क्या होगा, ये फिर पहले जैसे आ जाएगा। देखो रिकॉन्स्ट्रक्ट टूल ये अप्लाई कर रहा हूँ, देखो रिकॉन्स्ट्रक्ट टूल अप्लाई करने से देखो ये फिर आगे जा रहा है। तो ब्रश साइज मेरा छोटा है बोल के ऐसे करके जा रहा है, हमको ब्रश साइज थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा कर लिया ब्रश साइज। अभी देखो इसको, देखो जितना दूर था उतना दूर जाने के बाद रह गया, ठीक है, देखो पहले जैसे था अभी ऐसे है। तो हम लोग ये जो रिकॉन्स्ट्रक्ट टूल है इसका हेल्प से फिर हम लोग रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है, जो इफेक्ट डाला था उसको हम लोग निकल सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड आज हम लोग सीखा फोटोशॉप लिक्विफाई टूल का हेल्प से कैसे हम लोग स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है और उसका इमेज को कार्टून इफेक्ट दे सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना दूर, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।